नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी कोच एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम को लेके लोगों की, जो अक्सर बहुत लोग फेस करते हैं, और वो है अपनी प्रॉपर्टी के किराएदारों से रिलेटेड, अपनी रेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अक्सर लोगों के पास खाली प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन वो डरते हैं कि कहीं किराएदार कब्जा ना कर ले मेरी प्रॉपर्टी को, कहीं वो निकलने में दिक्कत ना करे, मेरी प्रॉपर्टी की पोजीशन मेरे हाथ से चली जाएगी तो फिर मेरी प्रॉपर्टी मैं कैसे वापस ले पाऊंगा। कहते ना, जिसका कब्जा उसी की संपत्ति। तो ये कब्जे वाला जो इशू है ये बड़ा खतरनाक है। तो सालों साल खाली रहती है लेकिन लोग अपनी प्रॉपर्टी पर रेंटल इनकम नहीं कमा पाते। तो आज इस समस्या का कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कब्जे का क्या समाधान निकाला जाए, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा ना कर ले उसका क्या समाधान निकाला जाए। तो दोस्तों, जनरली जब हम किसी को प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बेसिस पे उसे किराए पे दे देते हैं, तो आज हम समझेंगे कि ये रेंट एग्रीमेंट करना हमारे लिए कितना फायदेमंद है, या फिर इसकी जगह हम कोई दूसरा लीगल तिकड़म निकालें, कोई दूसरा लीगल तरीका निकालें जिससे हम प्रॉपर्टी पे इनकम तो कमा सकें लेकिन हमें किराएदारी के जंजालों से बच के निकल सकें, फंस ना जाएं। तो दोस्तों, आज बात ये करने वाले हैं कि अगर हम रेंट एग्रीमेंट की जगह, किराए पे देने की जगह, या फिर प्रॉपर्टी लीज पे देने की जगह, यानी कि हम लीज एग्रीमेंट करने की बजाय, लीज डीड एग्जीक्यूट करने की बजाय अगर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके क्या फायदे होने वाले हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा, और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से क्या हम प्रॉपर्टी पे कब्जा होने की समस्या से बच पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट्स एक्ट में डिस्क्राइब है, और लीव एंड लाइसेंस का रेंट एग्रीमेंट या लीज पे लीज डीड की बजाय लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करने का क्या फायदा है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है कि जब हम आप किसी को प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं, लीज डीड करते हैं, लीज पे देते हैं या फिर रेंट पे देते हैं, तो सबसे पहली चीज जो होती है, हम उसे प्रॉपर्टी की एक्सक्लूसिव पोजिशन दे देते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिवली वो प्रॉपर्टी यूज कर पाता है, उस पर अपने ताले लगा पाता है, उसका एक्सक्लूसिव पोजिशन राइट होता है उस प्रॉपर्टी पे। और जैसे ही आप ये रेंट खाली करने की बात करते हैं, आप अपने किराएदारी वाली प्रॉपर्टी खाली करने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो वो कोर्ट में इंजंक्शन लगा देता है, परमानेंट इंजंक्शन स्टे की बात करता है कि जब तक मेरा रेंट का मसला इनसे खत्म ना हो जाए तब तक मेरे को प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस ना किया जाए। तो ऐसे में क्या होता है, आपका किराएदारी का मसला चलता रहता है, कोर्टों में धक्के खाते रहते हैं सालों साल, और पोजेशन भी आपको नहीं मिल पाती है क्योंकि उस पर भी स्टे लगा हुआ होता है। तो यानी कि ना आपको किराया मिल रहा होता है, ना प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलता है, ना आप उसे खरीद बेच सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी पे स्टे लगा हुआ है। तो प्रॉपर्टी ऐसा लगता है जैसे आपके हाथों से फिसलती चली जा रही है, आपके हाथों से निकल चुकी है। वहीं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की बात अगर हम करें तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में दोस्तों होता क्या है कि आप प्रॉपर्टी के यूसेज राइट्स देते हैं सामने वाले को, यानी कि आप उसको उपयोग करने के राइट्स तो देते हैं लेकिन आप एक्सक्लूसिव पोजेशन प्रॉपर्टी का नहीं देते। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो जैसे मॉल है, ज्यादातर मॉल्स में जो मॉल के ओनर हैं उनका राइट है कि वो मॉल में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पे भी मेंटेनेंस वर्क कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉल में दुकानें या कियोस्क या जो भी एरिया है जिन लोगों ने किराए पे लिया हुआ है उनको उस एरिया को, उस स्पेसिफिक पोर्शन को यूज करने का तो राइट मिला हुआ है लेकिन उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन राइट नहीं मिला हुआ है। ऐसे में जो पोजेशन है वो हमेशा मॉल के ओनर के पास रहती है। आजकल आप एक नया ट्रेंड भी देख रहे होंगे कि वर्क प्लेस रेंटल होता है कि आपको 2 सीटें या 3 सीटें एक बड़े से हॉल में दे दी जाती है जहां से आप अपना ऑफिस वर्क कर पाते हैं।
तो ऐसे में दोस्तों वो पूरा जो पोजीशन है वो मेन ओनर के पास होता है, लेकिन वो जो दो तीन सीट्स या कैबिनेट या केबिन आपने लिया हुआ है वो आपको लीव एंड लाइसेंस के तौर पे मिला हुआ है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और उसकी आप लाइसेंस फीस देते हैं, लेकिन आप पूरे उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं ले पाते। तो इस लीव एंड लाइसेंस को हम यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में भी। सपोज कीजिए आपके पास ग्राउंड फ्लोर है और आप अपना फर्स्ट फ्लोर रेंट पे देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट करने की बजाय या लीज पे देने की बजाय उसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर पे जा तो सकते हैं, उसका उपयोग तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरी प्रॉपर्टी का कानूनी तौर पे कब्जा है वो मेरा ही होगा, प्रॉपर्टी ओनर का ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों जो कानूनी कब्जा है एक तरह से लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में, जो लाइसेंसर होता है उसी के पास होता है, लाइसेंसी के पास ट्रांसफर नहीं होता है, उसको नहीं मिल जाता है एक्सक्लूसिव पोजेशन राइट। तो कब्जा जब आपके हाथ में होता है ना तो आपकी बहुत बड़ी ताकत होती है। भगवान ना करे अगर ऐसे में आपको कोर्ट के चक्कर काटने ही पड़ गए, आपका कोई कानूनी मसला फंस ही गया आपके टेनेंट के साथ, तो आप काफी हद तक पोजेशन आपके हाथ में होने की वजह से अपर हैंड पे रहेंगे, आपका पलड़ा भारी रहेगा। दोस्तों एक और चीज है कि जो रेंट एग्रीमेंट जब आप किराएदारी में जाते हैं या लीज में जाते हैं, तो हर राज्य के अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट हैं, रेंट लॉज हैं, और इनमें बहुत सारे ऐसे भी क्लॉजेज हैं जो टेनेंट के फेवर में होते हैं। तो ऐसे में जब आप रेंट पे देते हैं प्रॉपर्टी, तो आपका अगर कोई कानूनी झगड़ा होता है तो वो रेंट कंट्रोलर के अंडर में आता है या जो रेंट से रिलेटेड कोर्ट्स हैं उसके अंडर में आता है, और वहां पे आप थोड़ा सा दब जाते हैं। लेकिन जब आप इंडियन इजमेंट्स एक्ट के तहत सिर्फ लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो आप रेंट कंट्रोल एक्ट के दायरे से बाहर आ जाते हैं और आपका जो केस है आसान हो जाता है। वो ये तो क्लेम कर सकता है कि आपने सडनली वो लाइसेंस एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया या उसको उसकी वजह से कुछ लॉसेस हुए, तो वो उसको तो क्लेम कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की पोजीशन आपके पास रहेगी, प्रॉपर्टी का कब्जा आपके पास रहेगा, तो आप किसी भी हद तक बाकी मसलों को तो सुलझा ही सकते हैं। तो दोस्तों लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते वक्त आपको जो ध्यान रखना है कि आप जब एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको किराएदार वर्ड यूज नहीं करना है, टेनेंट वर्ड यूज नहीं करना है, लैंडलॉर्ड वर्ड यूज नहीं करना है, मकान मालिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, लेसी या लेसर शब्द का प्रयोग नहीं करना है, आपको लाइसेंसर एंड लाइसेंसी वर्ड का यूज करना है, और जो आप उनसे पैसा लेंगे उस प्रॉपर्टी को उपयोग करने के लिए वो रेंटल नहीं होगा आपका, वो लाइसेंस फीस होगी। बस इतना सा ही फर्क होता है। ऑल दो प्रैक्टिकली तो आप उनको भी ताला चाबी देते हैं उनका सामान सिक्योर करने के लिए, उनका सामान की चोरी ना हो जाए उसके लिए, लेकिन आप कानूनी तौर पे कागजी तौर पे उनको पोजेशन राइट्स, एक्सक्लूसिव पोजेशन राइट्स अपनी प्रॉपर्टी के नहीं देते हैं, वो आप ही के पास रह सकते हैं। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं कि जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है जिसमें बड़ा हॉल है, और आपसे कोई बोलता है कि उसका एक हिस्सा आपको किराए पे दे दिया जाए, उस व्यक्ति को किराए पे दे दिया जाए, तो ऐसे में आप उसको रेंट एग्रीमेंट करने की बजाय उस पर्टिकुलर हिस्से में अगर वो 4 मशीनें अपनी भी लगाना चाह रहे हैं तो उसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करें, ताकि वो उस पर्टिकुलर हिस्से का यूज तो कर सके लेकिन उस पूरे प्रॉपर्टी की, प्रेमाइसिस की जो पोजेशन राइट्स हैं कागजी तौर पे वो आप ही के रहें और वो उस व्यक्ति के पास ट्रांसफर ना हो। तो इस तरह के छोटे छोटे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपकी प्रॉपर्टी कोई और कब्जा कर ले। इनफैक्ट अगर आपकी कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, ऐसे में भी सवाल आते हैं कि मेरी एक्सक्लूसिव ही 5 कमरे का सिंगल प्रेमाइसिस है तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसमें आप छोटे से ट्रिक्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2 कमरे दे रहे हैं तो उसमें कोई एक अलमारी या कबर्ड जो दीवार में लगा हुआ है वो आप अपने कब्जे में रखें, उसमें अपने ताले चाबी लगा के रखें, और अपने जो रेंट जो भी आप लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना रहे हैं उसमें मेंशन कर दें कि ये पर्टिकुलर हिस्सा आप ही का है और आप उसे रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिसके लिए वो कभी भी आप प्रॉपर्टी में आ जा सकते हैं।
ठीक उसी तरह अगर 4-5 कमरों का आप प्रेमाइसिस दे रहे हैं किसी को लीव एंड लाइसेंस पे, तो उसमें से एक कमरा अपने पास रख लें, उसमें कुछ सामान रख के अपना ताला चाबी लगा लें और अपने एग्रीमेंट में मेंशन करें कि उस कमरे की कभी भी आप आ जा सकते हैं और आपके भी इजमेंट्स राइट्स हैं, पोजेशन राइट्स हैं, और इस व्यक्ति को केवल इजमेंट्स राइट्स यानी कि प्रॉपर्टी में घुसना और उस प्रॉपर्टी को यूज करना अलाउड है, एक्सक्लूसिव पोजेशन राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो रेंट एग्रीमेंट में और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में फ़र्क है, वो बहुत बड़ा फ़र्क है, कि जब आप किसी को रेंट पे या लीज पे प्रॉपर्टी देते हैं तो कानूनी तौर पे उसके पास राइट्स होते हैं जनरली कि वो उस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दे, यानी कि किसी और को आगे, या फिर सब लीज डीड कर दे, किसी और को आगे वो किराए पे दे दे प्रॉपर्टी। अनटिल एंड अनलेस आपने अपनी लीज डीड में या रेंट एग्रीमेंट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि उसे आगे किराए पे देने का, सबलेट करने का या सबलीज करने का हक नहीं है। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में बाय डिफॉल्ट ये राइट है आपके पास कि जो व्यक्ति को आपने लाइसेंस पे प्रेमाइसिस दिया है वो आगे उसको लाइसेंस पे नहीं दे सकता है। एक और चीज जो फायदा है दोस्तों कि अगर लाइसेंस जिसने लाइसेंस किया है और जिसके फेवर में हुआ है, इनमें से किसी एक की भी मृत्यु हो गई, तो ये जो आपका लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है, वॉइड हो जाता है। लेकिन रेंटल में या लीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो परिवार के सपोज यूज के लिए है या किसी ऑफिस चलाने के लिए, तो जिस व्यक्ति के साथ आपने एग्रीमेंट किया है अगर उसकी मृत्यु हो भी गई है और उसके बाद भी वो ऑफिस चल रहा है या उसके परिवार वाले उस ऑफिस में, उस घर में रह रहे हैं, तो वो जो रेंट एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पे लागू होना शुरू हो जाती है और आपका ये जो रेंट एग्रीमेंट है या लीज डीड है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों जब आपकी प्रॉपर्टी बिकनी है तो ये बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका टेनेंट हो सकता है बोल दे कि मैं खाली नहीं करूंगा, तो आपको एज इज वेर इज बेसिस पे प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और जो खरीदार है उसके ऊपर ये सारे आपके रेंट एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगे। ऐसे में प्रॉपर्टी बिकना बहुत मुश्किल हो जाता है और बिकता है तो आपको उसकी वैल्यू बहुत कम मिलती है। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा नहीं है, जब आप प्रॉपर्टी बेचना चाहें तो उस प्रॉपर्टी का उपयोग का राइट अगला व्यक्ति दे ना दे ये उस पर डिपेंड करता है, और क्योंकि पोजेशन राइट्स नहीं है तो ईजियर होता है आपके लिए प्रॉपर्टी को बेचना। तो ये थे दोस्तों कुछ खास फर्क लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में और आपके रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड में। कैसा लगा आपको आज का वीडियो जरूर बताइएगा, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।